नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बन्ना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ उड़ीसा का फेमस दालमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये और बहुत जल्दी बन भी जाता है। इसको आप बना लोगे ना, सब्जी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरा दाल और सब्जी ही होता है ये। इतना सब्जी, इतना हेल्दी होता है ये कि पूछो ही मत। दूसरे शब्द में आप अगर मैं इसको बोले ना, जितना फ्रिज में आपके पास थोड़े थोड़े सब्जियाँ बची होती ना, ऐसा लगता है कि इतने में सबको इनफ नहीं होगा, इतने में कैसे और लाके ये बस वही सब्जी खपाने का काम है ये दालिमा, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। आप लोग देखोगे तो आप लोगों को भी ऐसा ही लगेगा। जितनी सब्जी है ना, जितना आप पसंद करते हो फ्रिज में, उठाओ और दालमा बना दो, सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं, दाल सब्जी का काम हो गया। मैं एकदम क्विक वे में बना रही हूँ, जो ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं ना, उसका खाली एक ही चीज़ इसमें फ़र्क होगा। दाल को जो लेते हैं उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं, फिर उसको वॉश करके फिर बनाते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। बनाने की सारी विधि ये, वो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज तो बस ऐसे क्विक जल्दी में ही बनाया है और बहुत बढ़िया बना हुआ है। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। दालमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर। मैं कुकर में बनाऊँगी, आप ओपन पॉट में भी बना सकते हो, लेकिन कुकर में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अब बनाना कैसे है, यहाँ पे 1/3 कप मैंने ले लिया है मूंग दाल बिना छिलके वाला, और 1/4 कप ले लिया है मैंने तुअर दाल। आप इसमें चना दाल वगैरह भी मिक्स कर सकते हो। और भिगा करके इसलिए रखा था, थोड़ा जल्दी कुक हो जाता है इसलिए मैंने भिगा करके रखा था। एकदम अच्छे से फूल गया है, 1 घंटे में फूल जाता है। अगर मैं समय ना हो ना तो आप तुरंत लेकर बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। टोटल 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। अब ऊपर से हम 1/3 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। बाद में हम वापस टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें ये दाल को बॉईल करना है। कम से कम मीडियम फ्लेम पे हमें 2 सीटी लाना है इस दाल में, उसके बाद इसमें पूरा हम सब्जी और मसाले वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसमें 2 सीटी हम ला देते हैं, 2 से 3 सीटी पहले ला देंगे। एक साइड में दाल बॉयल होने के लिए रख दिया, दूसरे साइड में हम मसाला रेडी कर लेते हैं दालमा का। गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टिक मैंने ले लिया है दालचीनी का, सिनेमन स्टिक, और 1 टेबलस्पून क्यूमन सीड लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च साबुत, और 7 मैंने ले लिया है तीखा वाला मिर्चा लाल वाला। ये दालमा का मसाला है, इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे। मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, एकदम भुन गया है। दूसरे प्लेट में इसको निकाल करके कम्प्लीटली ठंडा करके इसको बारीक पीस लेंगे हम। यहाँ पर मैंने मसाला पीस करके एकदम बारीक रेडी कर लिया है। इतने मसाले की ज़रूरत नहीं होगी, जितने की ज़रूरत होगी उतना हम डाल के बाकी इसको एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे। भरकर जब हम बनाएंगे दालमा उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको साइड में रख देते हैं। सब्जी इसमें क्या क्या जाएगा, जितनी सारी सब्जियां हो आपके घर में, जितना आप पसंद करते हो सब उठा करके इसमें डाल सकते हो। मैं और मेजरमेंट जो है कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लेना, मैंने उसी तरह से किया है, कोई एकदम परफेक्ट मेजरमेंट हमने नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर ले लिया है टमाटर, आलू, गाजर, ग्रीन बीन्स, और कोई भी कलर का ये होगा बैंगन ये ले सकते हो, बनाना ये हो गया, और यहाँ पे लिया है मैंने पम्पकिन कोड़ा, और हरी मिर्च एक लिया है, ये तीखा वाला नहीं है, बड़ा सा लिया है, एकदम स्लिट कर लिया है बीच से, प्याज, और यहाँ पे सूरन थोड़ा सा ले लिया है जिसको यम भी बोलते हैं, और यहाँ पे 1/3 टीस्पून अदरक का पेस्ट ले लिया है। ये सारी सब्जियाँ हो गई, दाल बॉईल हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। वाह देखो, एकदम बढ़िया जो भिगा के रखा था ना, इसलिए एकदम घुल के पक गया है, बिल्कुल भी इसमें कसर नहीं है, दिखा रही हूँ मैं। गैस को मैंने वापस ऑन कर दिया है, देखो एकदम बढ़िया घुल के पका हुआ है दाल। ये थोड़ा सा टाइम सेव होता है इसलिए मैंने भिगाया था। अब इसमें हमें पूरी सब्जियों को उठाकर एक साथ में सब कुछ डाल देना है। सब्जियां
सब्जी इसमें बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और जो दाल मैंने दो मैंने मिक्स किया है, आप कोई एक दाल भी ले सकते हो, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मिक्स कर देंगे, ऊपर से एक तेज पत्ता डाल देंगे, कंसिस्टेंसी हम देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा पतला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये थिक और थिन आप अपने हिसाब से कर लेना। मिक्स कर दिया है, अब इसमें दो सीटी हम और लाएंगे, ताकि देखो पहले दाल पका लिया उसके बाद मैंने सब्जी डाला ना, इसलिए कि सब्जी एकदम ओवर कुक एकदम मैश ना हो जाए इसमें, इसलिए लिड लगा देंगे। दो सीटी ला के एकदम कुकर ठंडा हो जाएगा, तब हम आप लोगों से मिलते हैं। कुकर एकदम ठंडा हो गया है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ये देखो कितने अच्छे से ये पक गया है और सब्जी भी एकदम अच्छे से दिख रहा है, एकदम ओवर कुक नहीं हुआ है। जिस कंसिस्टेंसी में ये चाहिए था ना, उसमें एकदम प्रॉपर है ये। मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। एक चीज़ इसमें मैंने मिस्टेक किया है, नमक जब सब्जी हम डाल रहे थे ना, थोड़ा सा नमक हमें और अंदाज के डालना चाहिए था, क्योंकि पहले जब डाला था कम डाला था, वो मैं भूल गई। आप उसी वक्त ना नमक टेस्ट करके एडजस्ट कर देना, डाल के इसको सब्जी के साथ बॉईल कर देना, जो कि मैंने नहीं किया है। नमक इसमें ऑलरेडी कम है, तो मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ और नमक डाल करके एक बॉईल इसमें लगा दूंगी। अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया देख रहे हो ना सारी सब्जियाँ। इस बार इसीलिए हम दो बार में इसको कुक किए, पहले दाल देन सब्जी, सब कुछ एकदम अच्छे से पका हुआ है, लेकिन एकदम मैश नहीं हो जा रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है सब्जी और कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हुआ है। थोड़ा सा और ठंडा होगा ना तो ये थिक होगा। ऊपर से हम क्या करेंगे, इसी के साथ ही एक बड़ा चम्मच भर के जो मसाला पीस करके रखा था ये हम ऐड कर देंगे इसमें, मिक्स कर देंगे। इसको पकाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पका हुआ है। मिक्स कर देना है, थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से हम डाल देंगे, हो तो डाल देना, नहीं तो ये ऑप्शनल है। डालने के बाद इसको हम रख देते हैं साइड पे, दूसरे मतलब बर्नर पे, थोड़ा बॉईल होता रहे। यहाँ हम तड़का रेडी कर लेते हैं। इसमें तड़का आप घी से भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बड़ा चम्मच 2 टेबलस्पून मैंने तेल ले लिया है। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम पंचफोरन डालेंगे। तड़के में इसमें पंचफोरन जाता है, तो 1 मतलब आप समझ लीजिए 1 टीस्पून मैंने ये पंचफोरन डाल दिया है। इसके ऊपर से हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। तड़का चटकने लगा है। पंचफोरन जिसको ना पता हो ना, एक तो ये पहली बात मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, पैकेट में आता है, नहीं तो इसमें ना क्या क्या रहता है, सौंफ रहता है, जीरा रहता है, ये रहता है क्या रहता है, कलौजी रहता है, पीली सरसों रहता है, इन्हीं सब मेथी रहता है, इन्हीं सब चीज़ों का मिक्स रहता है ये पंचफोरन। तड़का एकदम प्रॉपर हो गया है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखो इस तरह से रेडी हुआ है। अब इसमें लास्ट में ये जो चीज़ डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, सिर्फ कलर देने के लिए, बढ़िया कलर आएगा। तो साइड में इसको कर देते हैं, दाल इधर कर लेते हैं। दाल एकदम बढ़िया पक गया है। अब हम थोड़ा सा कवर करके ना इसमें तड़का दे देंगे। मिक्स कर देंगे, अब आया इसमें स्वाद। इस दालिमा में ना जो खुशबू आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको, इतना टेस्टी ये लग रहा है। खुश इसका जो अरोमा जो हमने डाला इसमें तड़का ना, जो इसकी खुशबू उड़ रही है ना घर में, भूख लग रहा है जोर से। इस दालमा को मैं प्लेट में निकाल नहीं रही हूँ, जैसे जैसे लोग खाएंगे वैसे वैसे कुकर से ही सर्व करेंगे, तो ज़्यादा देर तक ये गर्म रहेगा। अब इसको चाहे रोटी के साथ खा सकते हो, चाहे राइस के साथ, मुझे तो राइस के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है। इसका कलर देख रहे हो, मस्ट ट्राई रेसिपी है और सुपर हेल्दी ये दालमा का रेसिपी है।
आप लोगों को दालमा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर कर देना और लाइक कर दिया करो। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।